बहुत सालों पहले की यह बात है। ये पिछले हफ्ते एक बंगले में कुछ हुआ। चुड़ैल होटल से बाहर निकली, मसाला डोसा खाकर उसने जोर से डकार मारी। चुड़ैल भागते भागते एक पीसीओ के पास पहुंची। पीसीओ में उसने एक रुपए की जगह अपना नाखून डाल दिया और जादुई तरीके से बोल लग गया, क्या फालतूगिरी कर रही है। अरे पाची, डरने की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरतें कब है क्योंकि मेरे समीर पे तब है। काश मेरे बम में भी तब होता। हेलो, अरे समझ गया, आगे तो बोलो। मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पहले अपनी गर्दन सीधी कर। आपको कैसे पता चला कि मेरी गर्दन टेढ़ी है? क्योंकि मैं तुझे देख रही हूँ। हम मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अला नहीं किया तुम्हें, आता माची सड़क ली तुझा तुला कर बात लगा कि तुम मुझे बन बना जाओ बाच। ओप्स। हेलो, तुम कहाँ हो दरवाजे पे? अरे मैं सचिन बोल तो अरे ऐसे ही तेरे साथ मस्करी कर रहा था। चल चल अभी रखता हूँ, इंटरनेशनल कॉलिंग है। हे अंजलि, मला ते मांदेली भेटली है, मांदेली। एनीवेज तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारी एक हवेली है, तोड़वा देंगे। इज दैट द प्रॉब्लम? नहीं, एक काम करो, तुम लोग तोड़वाओ मत, मेरे को उधर वॉचमैन रख लो। नहीं नहीं, ना ही हम हवेली को तोड़वाना चाहते, ना ही वहां पर वॉचमैन रखना चाहते, हम वहां कुछ बनाना चाहते हैं। वहां पर तुम लोग मोहनजोदारो क्यों नहीं बना देते? मोहनजोदारो? एक्चुअली हमारी सोच ना कुछ बड़ी है। हाय छिया काफा, सोच से याद आया जी, हम वहां शौचालय बनाना चाहते हैं। ओ, शौचालय खोलना चाहते हो? वाह, व्हाट अ शिडी, आई मीन टू से अमेजिंग आईडिया। तुम्हारी तो शक्ल देख के मैं पहचान गया था कि तुम बहुत ही अच्छा संडा साफ करते हो। लिंगू छोड़ना, काटू नहीं। आगे बताओ पाची। एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी चुड़ैल है। ठीक है पाची, दुआ में याद रखना, और आगे कभी फ्यूचर में साबुन तेल या टेली शॉपिंग नेटवर्क पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स बेचते हो तो हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। एक मिनट, ये देखो इसकी बीपी, एनडीपी। मैं मोहनजोदारो नहीं जाना चाहता। कहाँ पे लेके ये चुड़ैल? अपना लाइफ सेट हो गया। और इस तरह से शुद्ध देसी वाले तैयार हो गए उस बंगले की तरफ जाने को, लेकिन उन्हें क्या पता था ये चुड़ैल शुरू से ही इनसे भी बड़ी है। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये जिसके साथ भी करेगी वो परलोक से था। देखो मुझे लग गया, देखो मैं आवाज भी कर रहा हूँ लगने की। साले पूरी कहानी और स्वरूप बताएगा? हाँ? एक साल से हम लोग झक मार रहे हैं। हाँ? हम कब से इनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सब बता रहा है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है कि सुबह से ग्रीन स्क्रीन में क्या? वही जो ये बोल रहा है। Hey, पाची, के दारा क्या कह के चले गए? क्या तुम लोग एक टबर के चुड़ैल के बारे में बात कर रहा था? वो कहना है वो काफी डरकी है ना। छोटे छोटे कपड़े पहनती रहती है। कभी कभी तो पहनती भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो फिर मैं उसे ले चलूं आइचिया गावात? ये मेरा डायलॉग है, सॉरी। इस प्यासी आत्मा की भूख तभी मिटेगी जब उसके साथ कोई करेगा एक मिलन। एक बार मेरा स्क्रू ड्राइवर निकला ना सारे पेच कस दे तो। ऑलराइट, जस्ट कट द क्रैप, मैं तैयार हूँ। कम इन रेशम का, मैं कुछ नोटिस कर रही हूँ। यहाँ पर ये अलग अलग सब्जी रखी है, लाइक मैं समझ गया तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो। समझ गए? आर यू मैड? मैं क्यों चल के मार्केट में तुम्हारे साथ सब्जियां बेचूं? क्या मैं सब्जी वाली हूँ? Of course. हाँ? No, no, sorry. काम हुआ? Like वो तो मुझे देखकर पागल हो गई थी। Well done. I mean she just started taking her clothes off and all. हाँ, कबाड़ में उसके कपड़े रखे थे, सारे निकालने लग गई। मैंने कहा हम लोग पैक करके यहाँ से भाग चलते हैं। तो भागा क्यों नहीं? Like जमा नहीं। अबे दही थोड़ी है जो जमानी थी।
I don't know, like... मैं तो पहले से तैयार था. मैं जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, मैं सीधा ऊपर जाता हूँ. मैं साला वॉचमैन ही ठीक था. फालतू का मैं मालिक बनने को देखा. अब लगता है पूछी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके उस पे है दम वो फक्त मेरा लिंगम. जाओ जिस पर चढ़ना है चढ़ लो, लेकिन अगर इस चुड़ैल की तुमने यात्रा की परलोक सिद्धार जाओगे. ए चूसो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जाओ. अबे इस वॉइस ओवर को ओवर क्यों नहीं किया? क्या फेंक के मारता है? बर्गर होता तो मैं खा भी लेता. ऊपर जाने का झोल मैं नहीं कर सकता. I'd like to stay away. अरे तुम लोग साले फालतू इंडियन बॉलीवुड लोग, हम भैया लोगों के सामने तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता. जैक शुक्ला नाम है हमारा, हमको भेजो. भाजी ये है जैक, इसने तो एक बार बोट पर चढ़कर भी एक फिरकी को ले लिया था. जिंदगी एकदम बर्बाद कर डाली है यार. अभी तक हमको याद दिलाती है कि नेकलेस हमारा पानी में गिर गया है, लाओ निकालो. अब कहां संडास के मोरी में जाके निकाले. हे रितेश भैया, अभी देखो हम जा रहे हैं ऊपर अपना पेन लेके, ऐसा पेंटिंग बनाएंगे एकदम टंटना जाएगा तुम लोगों का, मतलब ऐसे मन एकदम ऐसे टंटना जाएगा. मुबारक हो, जीपीएस लोकेटर से पता चल गया है कि कमरे में पेंटिंग शुरू हो गई है. ऐसा मजा आ गया है. हम थोड़ा मर गए हैं, हम अपना क्रिया कर्म करके आते हैं. हम लोगों का डिफरेंट होता है, भैया लोग क्रिएटिव होते हैं ना. इसे कहते हैं शुद्ध देसी एंडिंग्स. किस तरह से शुद्ध देसी वालों ने चुड़ैल का खात्मा किया और बन गया इनका शौचालय. इट्स सो पीसफुल नाउ फाइनली. अबे सलील जामदार, हाय. अरे शुद्ध देसी खाने वाला. या या क्रॉस प्रमोशंस यू सी. अबे इधर क्रॉस मत कर. नहीं इस तरफ, इस तरफ. दिस इज कॉल्ड अ हैप्पी एंडिंग. या तुम्हें क्या लगता है ये प्रॉब्लम कोई कार्टून सॉल्व कर देगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरे 2.5 घंटे की पिक्चर लगती है. बेस्ट ऑफ लक. एग्जैक्टली. हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 15 जुलाई को ग्रेट ग्रैंड मस्ती एट द थिएटर नियर यू. यस. फिल्म का असली मजा तो सिर्फ बड़े पर्दे पर है बॉस. यस. लीक लेना है तो सुलभ शौचालय में लो, इंटरनेट पे नहीं. याद रखना 2 घंटे 12 मिनट.